भोजपुरी में 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इन दिनों खासा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जिसकी असली वजह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा है। दरअसल निरहुआ अनुष्का से पंगा लेकर बुरी तरह से फंस गए। इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, आपको बता देना चाहते हैं कि निरहुआ ने अनुष्का से पंगा रियल लाइफ में नहीं बल्कि भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी फिल्म सिपाही 4 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के लिए तैयार है, तो वहीं अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट सेजल भी उसी दिन सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। वैसे तो दोनों ही कलाकारों की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद धूम मचा देती हैं, वहीं इनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी बढ़ गई है कि जिसका अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह है कि क्या प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में कौन सी फिल्म बाजी मारती है और कौन सी फिल्म फ्लॉप साबित होती है। इस बात का पता तो तभी चल पाएगा जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। उधर दर्शकों की बेताबी भी लगातार फिल्म देखने के लिए बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।